घरेलू उपाय में आपका स्वागत है। जी हाँ, जब से 500 और 1000 की नोट बंद हुई है तब से लोग अपनी कमाई का कुछ अलग अलग ही जरिया ढूंढ रहे हैं। ऐसा ही किया है एक सब्जी वाले ने, जिसने स्वाइप मशीन का यूज़ करके सब्जियाँ बेची हैं। इसी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद लोगों ने अपनी आमदनी करने के लिए कुछ दूसरे तरीके अपना लिए। कल्याणपुर पनकी रोड पर, जो कि कानपुर में पड़ता है, एक सब्जी वाले ने भी एक अनोखा तरीका अपनाया। वह किराए पर स्वाइप मशीन ले आया और लोगों से स्वाइप कराकर सब्जियां बेची। कल्याणपुर पनकी रोड पर रमेश ठेले पर सब्जी लगाकर बेचता है। गुरुवार सुबह 9 बजे वह सब्जी लेकर पहुंचा तो कुछ खरीदार उसके पास आ पहुंचे। लोगों ने सब्जी खरीदने के बाद उसे 500 और 1000 का नोट देने की कोशिश की, मगर रमेश ने वह नोट लेने से मना कर दिया। इसके बाद उसे कुछ लोग ने समझाया कि ऐसा तो उसकी सब्जी बिकना मुश्किल हो जाएगी। रमेश कुछ देर के लिए गायब हुआ और थोड़ी देर बाद जब लौटा तो उसके पास स्वाइप मशीन थी। उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर वह ठेले पर ले आया। उसके बाद उसने लोगों से कार्ड से भुगतान कराकर सब्जियां बेची। रमेश से पूछे जाने पर उसने जानकारी दी कि वह किराए पर स्वाइप मशीन ले आया है। स्वाइप मशीन से उसने लगभग 3000 रुपये 1 घंटे के अंदर 3000 रुपये की सब्जियां बेची और उसके दुकान पर बहुत सारी भीड़ लगी। इस भीड़ को देखते हुए वहां पर पुलिस आ गई और पुलिस ने उस सब्जी वाले को लाठी से मारकर भगा दिया। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो स्वाइप कर सब्जी बेचना कोई गलत काम नहीं है, और लोग अक्सर ऐसी मुसीबत में, ऐसे जब लोगों के पास छुट्टे नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ अलग तरीका ढूंढते हैं। इसी ऐसा ही रमेश ने भी किया था। और अगर आपको लगता है कि रमेश ने गलत किया था या आपको लगता है कि पुलिस ने उसे लाठी मारकर गलत किया, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं आपके मन में क्या है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पुलिस ने ऐसा करके बहुत गलत किया। अगर आपको यह आपको कि जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।